और जैसे कि आप सब जानते हैं, यह है सुहाना की स्कूल और यहाँ पर सबके रिजल्ट आ गए हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आगे की कहानी में क्या होता है। चलो, मैंने बहुत अच्छे से चेक कर लिया है। मैंने सबके रिजल्ट यहाँ पर टेबल पर रख दिए हैं। अबे, अब ना जाने सारे स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स कहाँ पर रह गए हैं। अबे नैन्सी मैडम, अभी तक स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स आए क्यों नहीं है? आपने सबको इन्फॉर्म कर दिया था ना, रिजल्ट का दिन है आज। अरे स्वीटी मैडम, आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए, मैंने सबको इन्फॉर्म कर दिया है। बस अब स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स आते ही होंगे। चल जल्दी से, मैं भी चेयर पर बैठ जाती हूँ, बहुत ज्यादा थकान हो गई है। अरे भाई, हमारे स्कूल में इतना ज्यादा सन्नाटा किस बात का है? अरे नैन्सी मैडम, स्वीटी मैडम, अभी तक स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स आए नहीं है क्या? अरे भाई, आखिर इस स्कूल के प्रिंसिपल है हम। आज तो रिजल्ट है ना स्वीटी मैडम, नैन्सी मैडम, फिर बच्चे और उनके पेरेंट्स आए नहीं है। अरे गोलू सर, नैन्सी मैडम ने सबको इन्फॉर्म कर दिया है, बस स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स आते ही होंगे। और वैसे भी गोलू सर, आपके होनहार टीचर्स ने सारे रिजल्ट और पेपर्स रेडी करके रख लिए हैं। और गोलू सर, नैन्सी मैडम ने और मैंने कुछ नया करने का सोचा है। क्लास में जो भी फर्स्ट और सेकंड नंबर पर आया है, हम हमारी तरफ से उन्हें ये कैरम गिफ्ट कर रहे हैं। तो गोलू सर, कैसा लगा हमारा आइडिया? अरे वाह वाह, क्या बात है, आज मुझे अपने आप पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है। अरे अरे गोलू सर, आपको आपके खुद पर क्यों गर्व महसूस हो रहा है, हमारे पर गर्व महसूस होना चाहिए। अरे स्वीटी मैडम, बात तो कंप्लीट होने दीजिए। आज मुझे खुद पर इतना गर्व महसूस हो रहा है कि आप जैसी होनहार टीचर्स मेरे पास है। क्या बात है स्वीटी मैडम, नैन्सी मैडम, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से सब कुछ हैंडल करके रखा है। आखिर प्रिंसिपल है हम इस स्कूल के। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने फर्स्ट और सेकंड आने वाले स्टूडेंट को कैरम गिफ्ट कर रहे हैं। वैसे स्वीटी मैडम, ये जो आपने कैरम लेकर आया है, तो ये किसके पैसों से आया हुआ है? अरे गोलू सर, हमने आपके ऑफिस के टेबल के नीचे से ले लिए थे। अरे अच्छा, तो ऐसी बात है, मैं वही सोच रहा था कि स्वीटी मैडम और नैन्सी मैडम का दिल इतना कैसे बड़ा हो गया है कि इन्होंने खुद के पैसों से कैरम लेकर आया है, लेकिन आज आकर मेरे पैसों पर ही हमला मारती है ये दोनों भी। चलो स्वीटी मैडम, नैन्सी मैडम, जब तक आप फिफ्थ क्लास को हैंडल कीजिए, मैं ट्वेल्थ क्लास के रिजल्ट देकर आता हूँ। ओके गोलू सर। अरे सुहाना के पापा, सुहाना जल्दी से चलिए, मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है, ना जाने हमारी सुहाना का रिजल्ट क्या आया है। अरे हाँ पायल जी, आ रहे हैं, अब तो हम स्कूल भी पहुंच गए हैं, फिर भी आप इतनी फिक्र में लग रही है। अरे इतना टेंशन मत लीजिए पायल जी। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे नैन्सी मैडम, देख रही हो आप सुहाना और उसकी फैमिली कितनी जल्दी आई है, और बाकी के दूसरे स्टूडेंट्स पेरेंट्स कितना ज्यादा टाइम कर रहे हैं। टाइमिंग पर तो सिर्फ सुहाना और उसकी फैमिली आई है। सही में सुहाना कितनी ज्यादा इंटेलिजेंट है, अब तो मुझे उसकी फैमिली भी पसंद आने लग गई है। अरे अबीर, चलो जल्दी से, बहुत टाइम हो रहा है। चलो मैं तुम्हारे इंटरनेशनल इंग्लिश स्कूल में ये साल एडमिशन करा के ही रहूंगी, पिछले साल पूरी जगह फुल हो गई थी। अस्सलामुअलैकुम मैडम। अस्सलामुअलैकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। आइए आइए बुशा जी, आइए बैठिए। अरे स्वीटी मैडम, ये साल मेरे बेटे अबीर का एडमिशन हो तो जाएगा ना? अरे बुशा जी, बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, ये साल आपके बेटे अबीर का एडमिशन हो ही जाएगा। अरे वाह, मेरे बेटे अबीर का एडमिशन हो जाएगा। चलो अबीर, हम उधर जाकर बैठ जाते हैं। अरे ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी न्यूज है। चलिए अबीर बेटे, इधर आ जाइए। हाय, माय नेम इज अबीर। हेलो अबीर, माय नेम इज सुहाना। इधर आकर बैठ जाओ अबीर। थैंक यू सो मच सुहाना, वैसे तुम्हारा नाम बहुत अच्छा है। अरे वाह, अबीर ने कितनी जल्दी फ्रेंड भी बना लिए है। चलो ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, और ये बच्चे कितनी प्यारी लग रही है। अरे वो मेरी बेटी है सुहाना, क्लास में हमेशा फर्स्ट आती है, अब ना जाने ये साल कौन फर्स्ट आया है, मैं तो बहुत फिक्र कर रही हूँ। ओ अच्छा, तो आपकी बेटी हर साल फर्स्ट आती है, फिक्र मत कीजिए, ये साल भी आपकी ही बच्ची फर्स्ट आएंगी। अरे शुक्रिया, आपने तो मेरे दिल को तसल्ली दे दी है, मैं तो जब से घर से निकली हूँ जब से फिक्र कर रही हूँ, ना जाने ये साल कौन फर्स्ट आया है। वैसे आपका नाम क्या है? अरे हमारा नाम बुशरा है, और वो हमारा बेटा अबीर है। और आपका नाम क्या है? अरे मेरा नाम पायल है, और आपका नाम तो बहुत अच्छा है बुशरा, मुझे तो बहुत पसंद आया। अरे बहुत शुक्रिया आपका, आप तो बहुत प्यारी बातें करती है। अहले मैं कब से पिंकी का इंतजार कर रही हूँ, लेकिन ये पिंकी कुछ आने का नाम ही नहीं ले रही है। चलो जाने दो, मुझे बहुत टाइम हो जा रहा है। सुहाना तो कब से अंदर जाकर बैठ गई है, चलो मैं भी बैठ जाती हूँ। आइए जल्दी से चले चिंकी मिंकी, तुम कितने ज्यादा टाइम करती हो, तुम्हारी वजह से मुझे भी टाइम हो जाता है हमेशा। अरे लिंकी, ज्यादा लोने की जरूरत नहीं है, हम स्कूल में पहुँच गए हैं। अरे ये लिंकी भी ना हमेशा तमाशे करती रहती है। अरे पिंकू बेटा, जल्दी से आओ, ये पिंकी के साथ
में रह रहकर बहुत बिगड़ गया है मेरा लाल पीला हरा नीला। अरे हाँ मम्मा आ रहा हूँ। अरे चमेली मासी भी ना हमेशा मुझे कुछ ना कुछ कहती रहती है, मुझे तो बहुत ज्यादा टेंशन आ रहा है, ना जाने में पास हुई हूँ क्या फेल। अरे चूहाना की बच्ची देखना आप कितना ज्यादा हिटलाएंगी। अरे ना जाने पिंकी का क्या रिजल्ट आया होगा, क्या मालूम पास हुई है भी कि नहीं। मुझे तो ऐसे लग रहा है पिंकी फेल ही हो गई होंगी, क्योंकि लास्ट टाइम वो चीटिंग करते हुए पकड़ी गई थी। चलो जाने दो, मैं तो बहुत ज्यादा फिकर कर रही हूँ। अरे नुल्ली मुल्ली जल्दी से आओ, तुम्हारा एडमिशन कराना है ना, ये दोनों लड़कियाँ बिना इतना ज्यादा स्लो चलती हैं। अली हाँ चाची आ रही है। अरे मैं ये क्या देख रहा हूँ, सुहाना ना जाने किससे बात कर रही है, चलो चल के देखता हूँ। गुड मॉर्निंग सुहाना। गुड मॉर्निंग पिंकू। अरे मुझे तो बहुत ज्यादा फिकर हो रही है, अगर मैं फेल हो गई ना तो मैं सबसे एक क्लास पीछे ले जाऊंगी। चलो मैं अपनी जगह पर जाकर बैठ जाती हूँ। अरे टीचर टीचर हमारे स्कूल में एडमिशन हो जाएगा ना। अरे हाँ स्टूडेंट्स तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा, पहले तुम बैठ जाओ। आइए मुली हमें तो बैठने के लिए जगह भी नहीं है। आई वो क्या चलो उधर जगह है बैठने के लिए, चलो उधर जाकर बैठ जाती है। अरे स्वीटी मैडम सारे स्कूल के स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स आ गए हैं, मुझे ऐसा लगता है हमें रिजल्ट बांट देना चाहिए। अरे हाँ नैन्सी मैडम आप बिल्कुल सही कह रही है, और जैसे कि आप सब जानते हैं आज सब स्टूडेंट्स का रिजल्ट है। कुछ बच्चों के रिजल्ट बहुत ही शानदार आए हैं और कुछ बच्चों के रिजल्ट तो बहुत ही बकवास आए हैं। तो चलिए रिजल्ट बांटने की शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ, जो भी बच्चा फर्स्ट और सेकेंड आएगा उसको स्कूल की तरफ से कैरम दिए जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अरे वह कैरम, फर्स्ट और सेकेंड आने वाले बच्चे को कैरम दिए जाएंगे। अरे वह मैं तो बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ, ना जाने कौन फर्स्ट और सेकेंड आया होगा। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट आने वाले बच्चे से। तो जो बच्चा फर्स्ट आया है उसका नाम सुहाना है। सुहाना क्लास में फर्स्ट आई है। ये रहा सुहाना का रिजल्ट और उसके सारे पेपर्स। इंग्लिश के पेपर में 100 में से 100, हिंदी के पेपर में 100 में से 100, मैथ के पेपर में 100 में से 100, मराठी के पेपर में 100 में से 100। एक्सीलेंट, वेरी गुड। क्या कहूँ मैं सुहाना की तारीफ में, सुहाना ने पूरे पेपर बहुत अच्छे दिए हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन फायल जी, राहुल जी आपकी बेटी बहुत ही ज्यादा होनहार और इंटेलिजेंट है। कॉन्ग्रेचुलेशन सुहाना, ये लो तुम्हारा रिजल्ट। थैंक यू सो मच स्वीटी मैडम। हाँ सुहाना बेटी तुम हो ही इतनी इंटेलिजेंट, ये लो तुम्हारा रिजल्ट। और आप सभी सुहाना की सारी आंसर शीट देख भी सकते हैं। सुहाना ने सारे क्वेश्चन के आंसर बहुत ही एक्सीलेंट और अच्छे दिए हैं। सारे सवाल के जवाब करेक्ट निकले हैं, इसीलिए सुहाना फर्स्ट आई है। चल लीजिए पायल जी आप सुहाना के आंसर शीट सारी चेक कर सकती है। और सुहाना बेटी ये लो खैरम, इंटरनेशनल इंग्लिश स्कूल की तरफ से तुम्हें इनाम के तौर पर खैरम दिया जा रहा है। थैंक यू सो मच स्वीटी मैडम। अरे राहुल जी देखिए ना, सुहाना ने सारे क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल सही लिखे हैं। कितनी होनहार है मेरी बेटी, देखो तो सही राहुल जी कितने अच्छे से क्वेश्चन के आंसर लिखे हुए हैं। अरे हाँ पायल जी आपकी बच्ची तो बहुत ही इंटेलिजेंट है, सारे क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल सही लिखे हुए हैं, इसीलिए क्लास में फर्स्ट आई है। अरे मुझे और सुहाना की ताली सुनी नहीं जाएंगी, चलो मैं उधर जाकर बच जाती हूँ। और अब सेकंड नंबर पर पिंकू आया है। पिंकू को 95% आए हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन चमेली जी पिंकू। चलो पिंकू बेटे तुम्हारा रिजल्ट, तुम्हारे ये साल बहुत ही अच्छे परसेंटेज आए हैं। और ये लो खैरम स्कूल की तरफ से तुम्हें दिया जा रहा है, क्योंकि तुम सेकंड नंबर पे आए हो। अरे थैंक यू सो मच स्वीटी मैडम। अरे वाह मेरा लाल मेरा हरा मेरा नीला मेरा पीला सेकंड नंबर पे आया है, ये सब सुहाना के साथ रहने की वजह से हुआ है। नहीं तो मेरा लाल अगर पिंकी के साथ में रहता था ना तो बदमाश बन जाता था और कुछ भी नंबर पे नहीं आता था, फेल हो जाता था फेल। अरे चमेली दीदी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? अरे प्रीति अब तुम मुझे क्यों बोल रही हैं? अपनी बच्ची को अच्छे से पढ़ाना चाहिए फिर तारीफ सुनने के लिए मिलती है। वो देख पायल जी कितना ज्यादा खुश हो रही हैं। ये है चिंकी का रिजल्ट, चिंकी थर्ड नंबर पर आई है। ये लो चिंकी बेटा तुम्हारा रिजल्ट। अरे वाह चिंकी मैं तो थर्ड नंबर पे आई हूँ, मेरी मम्मा तो बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगी। और ये है सोफिया का रिजल्ट, सोफिया फोर्थ नंबर पे आई है। चलो सोफिया तुम्हारा रिजल्ट। और ये है मिंकी का रिजल्ट, मिंकी के परसेंटेज 65 आए हैं। मिंकी और मेहनत करने की जरूरत है। आई हाँ मैडम अब मैं और मेहनत करूंगी। ये है रिंकी का रिजल्ट, रिंकी को 62% आए हैं। रिंकी तुम्हें भी मेहनत करने की जरूरत है। आई हाँ टीचर मैं और मेहनत करूंगी। और अब है जिसका रिजल्ट बड़ी उदासी के साथ शर्म के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, ये है पिंकी का रिजल्ट, वेरी बैड पिंकी,
तुम तो फेल होते होते बची हो। इंग्लिश के पेपर में 100 में से 20 मार्क्स, हिंदी के पेपर में 100 में से 15 मार्क्स, मराठी के पेपर में 100 में से 20 मार्क्स, मैथ के पेपर में 100 में से 25 मार्क्स। व्हाट इज दिस पिंकी? और पिंकी के पेरेंट्स, आप क्या पिंकी पर ध्यान नहीं देते हो? पिंकी की बहुत ही बैड परसेंटेज आए है। पिंकी बस फेल होते होते बची है। पिंकी तुम्हें बहुत 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 मेहनत करने की जरूरत है, नहीं तो आने वाले साल में तुम फेल हो जाओगी। यू अंडरस्टैंड पिंकी? तुम मेरी बात समझ रही हो ना? अरे ये टीचर भी ना सबके सामने मेरी इतनी ज्यादा बेइज्जती कर रही है। मैं तो खुश हो रही हूँ, मैं पास तो हो गई ना कम से कम। मैं तो वही फिकर कर रही थी कि मैं फेल ना हो जाऊँ, लेकिन जाने दो, मैं पास तो हो गई। अब तो मैं दूसरी क्लास में चली गई हूँ। अब तो मैं चुहाना के साथ में ही हूँ। चलो बहुत अच्छा हुआ, चुहाने को कौन छताएगा फिर? अरे ये पिंकी की वजह से मुझे सबके सामने कितना शर्मिंदा होना पड़ता है। मैंने कई बार कहा ये पिंकी से पढ़ाई करो, लेकिन ये लड़की मेरी सुनती ही कहाँ है। अरे देखो तो चाहिए, वो चुहाना की बच्ची कितना ज्यादा इतला रही है। जले से क्या क्लास में फर्स्ट आ गई है तो इतना ज्यादा इतला रही है। चलो अच्छा हुआ मैं पास हो गई, मैं तो बहुत ही ज्यादा फिकल कर रही थी। अब देखना मैं ये पूरा साल चुहाना को बहुत ज्यादा परेशान करूंगी। दोस्तों आगे की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।